हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट करते हैं हम। आज हम बनाने वाले हैं रेसिपी में चिचिड़े की सब्ज़ी या भरवा चिचिड़ा, जिसे बोलते हैं स्नेक गॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दो चिचिड़ा लिया है, उसको धो के अच्छे से रख लिया है। उसके बाद हमने उसके ऊपर के छिलके को उतार लिया है हल्के से, या आपकी चक्कू की सहायता से उतार के रख लेंगे। सभी को इसी प्रकार से छील के रख लेंगे, छिलके जो भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी प्याज और ये मिर्च और अदरक है, उसको भी पीस लेंगे। उससे पहले हम इनके जो हमारा चिचिड़ा है उसको ऐसे कट करके रख लेंगे, जो मीडियम साइज़ में कट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर का जो भी पल्प है, जो भी बीज है, उसको हम निकाल लेंगे। उसका हम यूज करेंगे मसाला बनाने में। जो भी हम इसके अंदर स्टफ करेंगे मसाले को, जो भरेंगे इसके अंदर। तो इसी प्रकार हमने सभी का बीज निकाल लिया है उसको मसाले में ऐड करने के लिए, ताकि हमारा जो भी मसाला है इसका भी अलग ही टेस्ट आता है। आप अगर ट्राई करें तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी मैंने ट्राई किया था एक बार, और बहुत ही अच्छा बना था। इसका टेस्ट बहुत अलग आता है। कई लोग उसको निकाल देते हैं, बट नहीं, उसका भी यूज कर सकते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसको बारीक एकदम मसाला बनाएंगे, ऐसे पीसेंगे नहीं। फिलहाल तो हम इसके अंदर जा रहे हैं जो हमारा, उसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। प्याज और अदरक मिर्च और हल्का सा एक उसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने लहसुन के पत्ते लिए हैं, जो उसका ऐड किया हूँ। तो इसके अंदर हम उसमें भी इसको बंद करके अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने इसको पीस लिया है दो तीन बार फ्राइड वो फिर चालू करके। तो ये हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर सभी मसाले जो भी हैं वो ऐड करेंगे। जैसे कि इसमें हम ऐड करेंगे खटाई का मसाला 2 चम्मच। ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी मसाले होते हैं, धनिया, हल्दी, मिर्च और हींग थोड़ा सा। तो ये है, ये सारे मिक्स का बना हुआ ये खटाई का मसाला है। आपके पास भी है तो आप भी यूज कर सकते हैं। इसमें अमचूर भी ऑलरेडी डाला हुआ होता है। तो ये थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो चिचिड़े को हमने स्लाइस में काट के रखा हुआ है उसके अंदर वो मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं फ्लेक्स सीड यूज़ कर रहा हूँ, चिली फ्लेक्स, जो हमारा थोड़ा सा उसका भी टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है। तो थोड़ा सा उसको और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगा चाट मसाला, जो ऊपर से थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। उसका भी स्वाद बहुत अलग होता है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। अगर आप इसके इस हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ही मस्त है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आगे चलते हैं, हम सभी मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी हैं हमारे। तो इसी प्रकार हमारा ये जो जितने भी हैं मसाले हम इसके अंदर भर के रख लेंगे। तो हमने पूरे मसाले इसके अंदर भर दिए हैं। अब चलिए हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। गैस ऑन करते हैं, उसके बाद कढ़ाई रखते हैं और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा। और इसको हम पकने के लिए 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से पक जाए। 15 मिनट होने के बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारा थोड़ा सा नीचे का साइड थोड़ा सा पक गया है। इसको हम पट्टी कर देंगे एक एक करके, ताकि हमारा दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए। और हम लो फ्लेम पर पकाएँगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर हमारा ये जल भी सकता है, इसलिए हम लो फ्लेम पर करेंगे मीट, और धीमी आँच पर पकाएँगे पूरा। तो सब हमने क्या किया, सबको और चेक कर लिया है। तो उसके बाद फिर से हम इसको 15 मिनट के लिए वापस से इसको ढक के मीडियम आंच पे फिर पकाएंगे। और तो ये देखिए हमारा कम से कम
आधा घंटा हो गया है इसको मीडियम आंच पकाए हुए। तो इसी प्रकार हम वापस से सिर्फ 2 मिनट के लिए वापस और पकाएंगे। तो ये देखिए वापस हमारा 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे, देखिए हमारा अच्छे से पक गया है, जो हमारी चिचड़ी की सब्ज़ी तैयार हो गई है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी, वो तो खाने में पता चलेगा बट मुझे दिखने में बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा है। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा खिला खिला रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, भरवा चिड़ा।